नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंह कम खुलने की बीमारी के बारे में। मुंह कम खुलने की बीमारी यानी ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस। दोस्तों, खाने के बाद मिश्री सौंफ इलायची का सेवन अच्छा माना जाता है। इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, लेकिन कई लोगों को खाने के बाद गुटखा तंबाकू सोटती खाने की आदत होती है। दोस्तों, कई लोग तो सुबह उठने के बाद नाश्ते से पहले तंबाकू खैनी गुटखा का सेवन करने लगते हैं और धीरे धीरे वह इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी इस आदत पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते। ऐसे लोग हमेशा मुंह में गुटखा तंबाकू सुरती पान मसाला आदि दबाए रखते हैं। एक समय ऐसा आता है कि इनका मुंह सामान्य से कम खुलने लगता है। ऐसे लोग रसगुल्ला और गोलगप्पे खाने के लिए भी मुँह नहीं खोल पाते। दोस्तों, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जिन्हें एक उंगली भी मुंह खोलने में काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे भी लोग हैं जो गुटखा सुपारी छोड़ चुके हैं लेकिन फिर भी उन्हें मुंह खोलने में प्रॉब्लम होती है। मुंह नहीं खुलने या कम खुलने की समस्या का इलाज लेजर सर्जरी या अन्य ऑपरेशन वगैरह होते हैं। यह काफ़ी खर्चीले हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होते हैं। मेडिकली लैंग्वेज में मुँह कम खुलने की बीमारी को ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस कहा जाता है। इसके इलाज में मुंह खुलने और बंद होने जैसी क्रियाओं पर काम किया जाता है। मुंह के अंदर का म्यूकस सिकुड़ने से बीमारी उत्पन्न होती है। इसकी सर्जरी भी काफ़ी महंगी होती है, लेकिन यदि आप इस समस्या से राहत के लिए मुंह के कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, इन एक्सरसाइज से कई मामलों में राहत मिल जाती है। सही तरीके से मुँह न खुलने की समस्या लंबे समय तक विटामिन और मिनरल की कमी के कारण भी हो जाती है। कई बार यह ट्रेस्मस यानी जबड़े के अकड़ जाने का रोग भी हो सकता है। जबड़े के आसपास की कई मांसपेशियां और नसें मुंह को खोलने और बंद करने के लिए एक साथ काम करती हैं। अधिकांश लोगों के मुंह को ओपन करने पर 35 mm से लेकर 55 mm तक नॉर्मली मुंह खुल जाता है। इसको नॉर्मल माउथ ओपनिंग कह सकते हैं। साधारण भाषा में इसको समझा जाए तो मुंह के अंदर नॉर्मली 3 उंगली आसानी से जानी ही चाहिए। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप नॉर्मल हैं। अगर यदि ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है तो आपको माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज करने से पहले यह भी ध्यान रखें कि माउथ में कहीं जलन सूजन घाव आदि तो नहीं है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज लेना चाहिए। अगर माउथ के अंदर कोई जख्म के साथ कोई सफ़ेद या रेड स्पॉट काफ़ी टाइम से है या काफ़ी मात्रा में बढ़ गए हैं तो इसको अवॉइड ना करें। यह प्री कैंसरस भी स्टेज भी हो सकती है। समय पर इसका इलाज लेने पर यह ठीक हो जाता है। एक्सरसाइज के साथ साथ इसका भी ध्यान रखें कि आप इसको इसका इलाज भी कराना है और साथ में एक्सरसाइज भी करनी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज की। इसमें सबसे पहले मुंह में हवा भरने की एक्सरसाइज करनी चाहिए। यह काफ़ी सरल एक्सरसाइज है। इसमें मुंह के अंदर हवा भरकर आपको 10 सेकंड तक भरनी है और रोक कर रखनी है और धीरे धीरे इसको छोड़ना होता है। ऐसे आप दिन में 5 बार से स्टार्ट करें शुरू में और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएं। ऐसा दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले, एकांत में हो या गाड़ी चला रहे हो, आप मुंह में हवा भरकर रोकें और धीरे धीरे छोड़िए। इससे आपके मसल्स रिलैक्स होंगे, मुंह को आप अधिक स्ट्रेच कर पाएंगे। स्ट्रेच करने के साथ साथ आपके गालों की मांसपेशियाँ भी रिलैक्स होंगी और आपका मुँह खुलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज आती है जबड़े की मसाज। दोनों अंगूठे को अपने गाल के जबड़ों के जॉइंट पर रखें। जबड़े के जॉइंट आपके कान की कनपट्टी के ठीक नीचे, कान से नीचे लगभग 1 से 1.5 इंच नीचे रहते हैं। आप जब मुंह खोलेंगे तो आपके जबड़े के जॉइंट वहां पर मालूम पड़ेंगे। तो वहां पर आपको दोनों जॉइंट पे अंगूठे रखने हैं और उस अंगूठे से हल्के हल्के आपको 30 से 40 सेकंड के लिए क्लॉकवाइज और 30 से 40 सेकंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज हल्के हल्के मसाज करनी है। और आपको वहाँ पर उन हिस्सों पर मसाज करनी है जो ज़्यादा टाइट हों। ऐसा दिन में आप 3 से 4 बार करेंगे तो काफ़ी फायदा होता है। जबड़े के जॉइंट पर मसाज जोर लगाकर नहीं करनी है। इसकी मालिश से आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं। जबड़े के जॉइंट पर थोड़ा सा खाने वाला नारियल तेल भी लगा सकते हैं। इसमें अगर आप तेल लगाएंगे तो काफ़ी आराम मिलेगा। तीसरी एक्सरसाइज है मुँह खोलने और बंद करने की एक्सरसाइज। इसमें आमतौर पर लोग मुंह को कुछ खाते समय या बात करते समय ही खोलना पसंद करते हैं, लेकिन यदि आपको माउथ कम खुलने की समस्या है तो आपको बार बार माउथ को खोलना और बंद करना चाहिए। इस दौरान आप माउथ को जितना ही उतना ही खोलें जितना बिना की परेशानी के खोल सकते हैं। ऐसे में आपको मुंह को खोलने के लिए 10 सेकंड तक होल्ड करना है। एक बार मुंह खोल लें और उसको 10 सेकंड तक होल्ड करें और उसको धीरे धीरे बंद करें। इस प्रक्रिया को आप एक बार में कम से कम 20 से 25 बार करें और दिन में 3 से 4 बार अगर करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसका फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद की एक्सरसाइज है जबड़े की एक्सरसाइज।
इसमें जबड़े को दाएं से बाएं तरफ घुमाने की प्रैक्टिस करनी है और बाएं से दाएं तरफ घुमाने की प्रैक्टिस करनी है। मुंह खोलने के बाद आप अपने जबड़े को पहले बाएं से दाएं तरफ घुमाएं। इस तरह के मूव करने के दौरान याद रखें, हर मूवमेंट को आप हमको कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। इसमें आपके जबड़े का मूवमेंट जरूरी है। ऐसा दिन में आप 20 से 25 बार एक बार की एक्सरसाइज में करें और दिन में 3 से 4 बार आप ये कर सकते हैं। अगर हर 4 घंटे के अंतर पर आप ये करते हो तो आपको इससे काफ़ी बेनिफिट दिखाई पड़ेगा। उसके बाद की एक्सरसाइज है 4 चम्मच एक्सरसाइज। दोस्तों ये मेन एक्सरसाइज होती है, इससे काफ़ी फायदा होता है और काफ़ी लोगों को इस एक्सरसाइज करने से आराम होता है। इसमें आपको एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मुंह खोलना है और नॉर्मल से कुछ अधिक स्ट्रेच करना है। इसके लिए आप 4 की चम्मच की मदद लेंगे तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और इसमें आपको एक्सरसाइज में 4 के चम्मच धीरे धीरे बढ़ाने होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मुंह में शुरू में 4 के 10 चम्मच जा रहे हैं और बड़ी आसानी से जाते हैं और बगैर दर्द के जा रहे हैं, तो आपको 11वें 4 के चम्मच से एक्सरसाइज करनी है। इसमें आपको 11वां 4 का चम्मच सीधे मुंह में एकदम से नहीं बढ़ा लेना है, क्योंकि आपके मुंह में 10 चम्मच आसानी जा रहे हैं तो 11वां चम्मच पूरा नहीं जाएगा। तो आपको 11वां चम्मच 4 के चम्मच की गड्ढी में लगा के हल्के से मुँह के अंदर बढ़ाना है और मुँह को खोलने की प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद आप धीरे धीरे इसको चम्मच को आप 7 से लेकर 14 इनके बीच में आपको इसको चम्मच को अंदर करना है। किसी किसी पेशेंट के 7 दिन में एक चम्मच चला जाता है, किसी किसी पेशेंट के 10 दिन में एक चम्मच चला जाता है और किसी किसी पेशेंट के 14 दिन में एक चम्मच चला जाता है। और इसमें काफ़ी आराम मिल जाता है, इस एक्सरसाइज से काफ़ी आराम मिलता है। और कभी कभी किसी किसी पेशेंट में स्पेशल केस में 21 दिन में भी एक चम्मच बढ़ता है, पर चम्मच बढ़ता ज़रूर है। अगर किसी को रेगुलर एक्सरसाइज से 21 दिन में भी कोई फ़ायदा ना हो तो घर पर अपना इलाज ना करें, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाएं। इसमें आपको सर्जरी की ज़रूरत भी हो सकती है या कुछ अन्य तरीके से इलाज करना पड़ सकता है, जो कि एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के सुपरविजन में ही कराना चाहिए। वह आपके मुंह ना खुलने का सही कारण बता पाएंगे और सही इलाज भी बता पाएंगे। यदि आप गुटखा, तंबाकू, सुरती, खैनी, सुपारी, मावा का सेवन अब भी कर रहे हैं तो आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप लोग एक्सरसाइज तो करें ही करें, इसके साथ साथ आपको पौष्टिक आहार का सेवन करना है। पौष्टिक आहार में आप है सभी प्रकार की दालें जो कि आपको सूट करती है आप लीजिए, क्योंकि उनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा मौसमी हरी सब्जियों का उपयोग करें जो कि मौसम के अनुसार आती हैं, वो काफ़ी फायदेमंद होती हैं। खाने में आप सलाद के रूप में टमाटर खाने का आहार डालें, क्योंकि टमाटर में लाइकोपिन होता है, यह उरस म्यूकस फाइब्रोसिस के केस में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा एक विशेष बात और है दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट उरस म्यूकस फाइब्रोसिस के केस में काफ़ी मदद करता है। आप एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार का सेवन करें, फलों का सेवन करें, एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी आहारों और फलों में पाया जाता है। इसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, आप उसे लिंक से आप एंटीऑक्सीडेंट आहार और फल के नाम जान सकते हैं। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको अगर किसी सवाल का जवाब इस वीडियो में ना मिला हो तो हमें कमेंट्स करें, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई अवश्य करूंगा और अगले वीडियो में उस क्वेरी को भी वीडियो में शामिल करूंगा ताकि और लोग भी उसका देखें और फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।